नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मिस्टर बॉक्स ऑफिस वाला में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म के बारे में, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। वैसे मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि अक्षय कुमार की बैक टू बैक दो कॉमेडी आ रही है। पहली फिल्म तो आपको पता है कि हेरा फेरी 3 में कंफर्मेशन मिल चुकी है कि अक्षय कुमार दोबारा वापसी करने वाले हैं, और उनके फैंस के लिए ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ भी है, क्योंकि पहले अक्षय कुमार ने ये कंफर्म कर दिया था कि वो हेरा फेरी 3 में काम नहीं करेंगे, क्योंकि ड्यू टू स्क्रिप्ट उनको स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई थी। तो मेकर्स ने कार्तिक आर्यन को अप्रोच किया था और उसकी अपडेट भी आ गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेकर्स को रियलाइज़ हुआ होगा कि हाँ भी हेरा फेरी में जो राजू का किरदार है वो अक्षय कुमार से बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए मेकर्स ने दोबारा इस चीज़ पे फैसला किया, इस चीज़ पे सोचा और अक्षय कुमार को दोबारा कास्ट किया, और कुछ ना कुछ बीच में समझौता हुआ होगा या स्क्रिप्ट को चेंज किया होगा, कोई ना कोई वजह ऐसी हुई होगी। तो इसी वजह से अब हेरा फेरी 3 में तो अक्षय कुमार कंफर्म हो चुके हैं, लेकिन आज की इस जो वीडियो में मैं बात करूंगा अक्षय कुमार के दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में। आपको पता है कि अक्षय कुमार की एक फिल्म है वेलकम, और उस फिल्म के दो पार्ट आ चुके हैं, लेकिन उसके तीसरे पार्ट को लेकर अभी तक कई सारी अपडेट्स आने हमारे सामने भी आई थी कि कई बार इस फिल्म को लेकर कब ये शूटिंग शुरू होगी। तो फाइनली मेकर्स ने एक बड़ी अपडेट दी है जो कि काफ़ी अच्छी भी है अक्षय कुमार के फैंस के लिए भी, और उसके अलावा इस मूवी में जो दो ऐसे किरदार भी शामिल किए गए हैं जो कि वाकई ही फिल्म को एक अलग ही लेवल पर लेकर जा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि अक्षय कुमार के अलावा वेलकम 3 मूवी में आपको संजय दत्त और अरशद वारसी एज ए स्टार कास्ट काम करते हुए नजर आएंगे। मतलब कि वेलकम 3 मूवी, जिसको वेलकम टू जंगल भी कहा जाता है, उस फिल्म में अब अक्षय कुमार के अलावा संजय दत्त और अरशद वारसी भी काम करते हुए आपको नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुन्ना और सर्किट की जोड़ी के लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा फैन हैं, और ये अक्षय कुमार की इस फिल्म के लिए भी अच्छी बात है, और इस फिल्म में मतलब कि सक्सेसफुल होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़े जाते हैं। बाकी फिल्म की स्टोरी क्या होगी, फिल्म कब रिलीज़ होगी, फिल्म की स्टार कास्ट के अलावा और कौन कौन से किरदार होंगे, ये तो जब फिल्म रिलीज़ होगी तभी पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अक्षय कुमार के साथ संजय दत्त और उसके साथ अरशद वारसी की जोड़ी को लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि ये जोड़ी पहले भी कई सारी फिल्मों में कमाल कर चुकी है, और ये फिल्म और भी ज़्यादा सक्सेसफुल या सक्सेस होने के करीब है। और अब देखते हैं कि बैक टू बैक दो फिल्मों में सक्सेस हासिल कर पाते हैं अक्षय कुमार या नहीं, जो उनके ऊपर टैग लगा हुआ है। मतलब कि उनकी फिल्में काफ़ी देर से नहीं चल रही है, क्या अब वैसा जो अनसक्सेसफुल वाला टैग है वो दूर होगा या नहीं, आपकी इसके ऊपर में जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताना। वैसे अक्षय कुमार इस वक्त सेल्फी मूवी की प्रमोशन के बीच बिजी हैं और उसकी प्रमोशन कर रहे हैं। अब देखते हैं सेल्फी मूवी को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि ये एक रीमेक मूवी है और रीमेक को बॉलीवुड में कुछ खास पसंद नहीं किया जाता, मतलब ऑडियंस के द्वारा। आप देखते हैं कि सेल्फी मूवी में आपको इमरान हाशमी काम करते हुए नज़र आएंगे, और इस जोड़ी को लोग कितना पसंद करते हैं, इसकी स्टोरी कैसी जाती है, या फिर इसमें लोग इसको पसंद करते हैं, जो भी आपकी राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आपको क्या लगता है कि वेलकम 3 में संजय दत्त और सर्किट की जोड़ी अक्षय कुमार के लिए या अक्षय कुमार के फैंस के लिए या मूवी के लिए बढ़िया है, जो आपको लगता है कि नहीं अक्षय कुमार अकेले ही संभाल सकते हैं, तो आप अपने राय जो भी है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो।